दोस्तों, एटीएफी टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं आप लोग रेडमी नोट 10 प्रो या रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का TWRP को कैसे डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लैपटॉप का स्क्रीन पर, आप लोग वीडियो को देखते रहे। दोस्तों, मैं लैपटॉप का स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप लोग पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे चार्ज कर दीजिए TWRP, उसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर जब कर देंगे यहाँ पे दोस्तों, आप लोग को डिवाइसेस TWRP जो है उसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर जब क्लिक करेंगे, आप लोग थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। यहाँ पे हम लोग को Xiaomi का चाहिए, हम Xiaomi को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं Xiaomi का जितना मॉडल है, डिवाइसेस है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ज़्यादातर TWRP। तो दोस्तों, हमको Redmi Note 10 Pro का TWRP को डाउनलोड करना है, इसीलिए हम Redmi TWRP यहाँ पर देख सकते हैं Note 10 Pro, इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे प्राइमरी अमेरिका जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ये देख रहा है TWRP जो है उसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों डाउनलोड TWRP ऊपर का जो लिंक है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका जो डाउनलोड है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने पहले डाउनलोड करके रखा है। अभी दोस्तों हम इसको कॉपी करके ADB ड्राइवर जो है CDAB में उसका अंदर जाके पेस्ट करना है। दोस्तों, आप लोग का अगर ADB ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, हम दिस PC को ओपन करते हैं और CDAB में चले जाते हैं। यहाँ पे ADB ड्राइवर जो है उसका अंदर जाके हम पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये TWRP सूट जो है यह है Redmi Note 10 Pro का। मोबाइल को पहले स्विच ऑन है तो उसको पहले ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद दोस्तों मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लेके आइए। उसका बाद दोस्तों फास्ट बूट मोड में लाने के लिए वॉल्यूम डाउन की और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए। फास्ट बूट मोड में आ गया। अभी दोस्तों आप लोग अच्छा सा USB केबल देख के उसको कनेक्ट कर लीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पे कमांड डालना है आप लोग को CMD। उसके बाद यहाँ पे कमांड डालना है फास्ट बूट डिवाइसेस, उसके बाद एंटर करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है वो ले लिया है। अभी नेक्स्ट कमांड डालना है यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। स्पेस देकर दोस्तों आप लोग जहाँ पे TWRP को रखा था उसको वहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी दोस्तों इसको एंटर करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो Redmi Note 10 Pro का TWRP वो इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों, अभी क्या करना है आपको, आपका मोबाइल का स्क्रीन पर चले जाना है। मोबाइल को आप लोग TWRP मोड में लाने के लिए आपका वॉल्यूम आपकी और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए। अभी दोस्तों पावर की रिलीज कर दीजिए। जब दोस्तों Redmi लोगो आ जाता है तब पावर की रिलीज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि TWRP मोड जो है वो आ गया है। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से Redmi Note 10 Pro या Pro Max पर आप लोग इसी तरह से TWRP को इंस्टॉल कर सकते हैं।